आपको आपकी माँ की कसम अगर वीडियो पूरी नहीं देखी तो। हाँ दोस्तों हेलो, मैं आज आपको बताने वाला हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके स्टेडियम हाउस से बाहर निकलने का, क्योंकि स्टेडियम हाउस में चूतिया पाए फुल, अंदर बैठे बड़े लड़ रहे, कोई मजा नहीं आ रहा। पर स्टेडियम से हाउस से बाहर निकाल के आपको जो मजा आएगा ना, उसका अलग ही स्वाद है। पता नहीं क्यों स्वाद है, पर भैया वही बात हो गई कि मतलब ठीक है, मतलब पनीर के साथ आपको वो मिल जाता है, क्या बोलते हैं, साथ में और रायता, तो आप बोलोगे और वाह यार पनीर की सब्जी भी टेस्टी है, तो वही वाली बात हो गई अभी। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे साथ में आया ना, तो एक तो ये लैग हो रहा था, अब तो लैग तो हो गई, ओप्पो एफ1 या वन प्लस तो है नहीं, ठीक है, या फिर बहुत ही हाई फाई फोन है नहीं, पर ठीक है जैसा भी है अपना है। ठीक है, तो भैया अपन ने यहाँ से गन उठाने की कोशिश की, तो अपना उठा ही नहीं, अपना मतलब कि गन नहीं उठी। तो अब इससे कुछ तो करना था, फिर मैं देखा चलते बिना गन के बेलते हैं, जब कुछ उठ ही नहीं रहा यार, तो सीधा ले लो आके चलते हैं। तो मैंने इसको मारने की कोशिश की, ये ले, पर मैं मार नहीं पाया क्योंकि मेरे पास गन नहीं थी। आम सी बात है, अगर गन होती तो सीनैरियो ही अलग होता। फिर मैंने सोचा अब तो गन उठ गई, फिर मैंने उसके बाद एक AKM ली, एक M416 ली और एक Kar98 ली। ठीक है, उसके बाद आपको बाहर निकलने के लिए बिल्कुल बीचों बीच आइए, एकदम बीच बीच, और थोड़ा सा पीछे रहिए और एकदम से आप ऊपर चढ़ जाइए। ठीक है, उसके बाद आप पहले तो कंटिन्यूसली पंच मारते रहिए, दूसरी बात इसको स्प्रिंट पर लॉक कर दीजिए, और बिल्कुल इसी जगह जिस जगह मैं हूँ आप देख लीजिए इस वीडियो को, बार बार देखिए, हजार बार देखिए, इतनी बार देखिए कि एक ही बंदा 1 मिलियन व्यू दे दे। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा हो नहीं सकता, पर हो जाए तो यार बात ये लगे, मैं ले लूँ 2 मिलियन व्यू तो, पर इसी को ये दोबारा से मजाक था। आप उसको स्प्रिंट में रखिए और ऐसे करते रहिए, बस कंटिन्यूसली पंच मारते रहिए, दूसरों को लगेगा चूतिया पाया। पर भैया बात मानो मेरी, हर चीज में मजा है अलग ही लेवल का। पंच मारते रहिए, आपकी आप कौन सा भैया ब्रूस ली बन जाओगे यहाँ पे घास पे पंच मारने से। उसके बाद ये वही वाली बात होगी, झाड़ में अगर पंच मारने सेव मिल रहे तो मारो ना यार। तो ठीक है, अब आपने इसके पंच मारते रहिए, आप याद रहिए आपको आपको क्या करना है, सोना भी है, प्रोन होना है, सोना है, पंच मारना है, सोना है, पंच मारना है, और स्प्रिंट को कंटिन्यूसली स्प्रिंट पर लॉक रखिए। और ये बाहर आ ही गया, मैं आखिरकार सेव मिल गया झाड़ में मारने से। देखिए इसके मैं बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ, देखो सेव ट्री यार, रियल में मैं ये बिल्कुल जोक नहीं यार, सेव द ट्री, ये आने वाले टाइम में आप क्या मतलब क्या शो क्या करना चाहते हो कि आपकी पीढ़ी इतनी चूतिया थी कि वो मतलब उसने धरती को ऐसे खा गए वो लोग। सेव द ट्री, सेव द एनिमल, और ये चीज़ें आपको यार सोचना चाहिए यार थोड़ा सा यार। चलो ठीक है, अभी अपन सिनेरियो को ज़्यादा सीरियस बना रहे हैं, तो देखो बाहर वाली चीज़ में ऐसा है, बाहर वाली चीज़ें है ना मतलब बिल्कुल स्टेबल नहीं है, उनका स्टेबल से मतलब आप ऐसे आर पार हो सकते हो, ऐसे इधर उधर जा सकते हो, कुछ चीज़ों को जा सकते हो, कुछ चीज़ों को नहीं जा सकते। तो मेरे बेसिकली बाहर वाली चीज़ पबजी वालों को नहीं पता था कि ऐसे निकल जाएंगे लोग बाहर, पबजी वालों को क्या पता यार, पता मतलब ठीक है, मतलब अपन लोग कहीं ना कहीं ग्लिच ढूंढ लेते हैं, पर इंडियंस की क्या आदत है, मतलब अपने क्या सिंपल चीज़ें खेली नहीं जाती, अपने क्या चूतियापंती करते ही रहते हैं, कहीं ना कहीं से तो निकलने की आदत है अपनी। ठीक है, अब मैं यहाँ आगे की तरफ जा रहा है, आगे इसी वजह से मैं घूम के आ गया, फिर मैं इस तरफ इसके पीछे की तरफ देख रहा मैं कि भैया पूरा एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा मैं, तो उसके बाद मैंने इधर देखा, यहाँ पर भी मुझे कुछ नहीं मिला, हालांकि मैंने मारने की एक दो बार मारने की कोशिश की, अंदर की तरफ आराम से मारा जाता, मैंने ट्राई कर लिया, पर इसके अंदर की तरफ जाने का कोई रास्ता मेरे को मिला नहीं। और गाइस यकीन मानिए मिलते ही तुरंत बता दूंगा, पर सब्सक्राइब लाइक और शेयर इस वीडियो को जरूर करना, सच बता रहा हूँ मजा आ जाएगा आपको। और मैं मेरा एक और चैनल है सुप्रीमो नाम से, भाई अब इतना बड़ा चैनल है नहीं, वीडियो थोड़ी कम है, तो आई होप कि फ्यूचर में वो आएगी ना, तो यू मान लो मजा आ जाएगा आपको, मतलब उसके अंदर बहुत ही आला दर्जे की कॉमेडी है, और कॉमेडी मतलब थोड़ा एडल्ट है, पर ठीक है यार, अब यार हम भी तो एडल्ट ही है ना यार, अब एडल्ट का मतलब वो नहीं है कि आप बस एडल्ट का मतलब वो एक ही चीज़ होती है, नहीं, एडल्ट का मतलब होता है 18+, वो एडल्ट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अंदर जाने की कोशिश की, मैं देखा यार बाहर बहुत हो गया, अंदर जाऊँगा, पर इतनी देर में मेरे को पेल दिया इसने, भाई इसने यार, चलो कोई बात नहीं, TDM हाउस में अब जीमने तो आए नहीं था, मारने मुरने आया था तो मारे गए। फिर यहाँ देखिए बिल्कुल बीच में जाइए, बिल्कुल सटीक तरीके से बीच में जाइए, हाँ पंच मारिए, स्प्रिंट को लॉक करिए और बैठिए, पंच मारिए, स्प्रिंट को लॉक करिए, ये तीनों काम करते रहिए आप, मैं माँ कसम खा रहा हूँ झाड़ में से जरूर सेव निकलेंगे। और ये सेव निकल गए, देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ एक बार फिर, सेव द ट्री, सेव योर लाइफ, रियली ये जेन्युइन चीज़ है, और अगर आप ये नहीं करते ना तो सच बता रहा हूँ, देखो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। फिर मैंने एक बार देखा, एक बंदे ने मेरे को शूट कर दिया, मैं मरते मरते बच गया यार, थक गया भाइयों ये, पर ठीक है, मतलब मजा है थकने में, ये अभी थकेंगे नहीं तो फिर तो ठीक है। अब और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं एक बार पीछे की तरफ देख रहा था, मैं देखा कुछ हो या ना हो, फिर इस तरफ देखा मैं आगे की तरफ एक बार रन करते गए, मैं देख एक बार देखते हैं आगे की तरफ क्या मिले, पर वही बात है भैया
अब जरूर थोड़ा कि एक झाड़ में आप मुक्के मारो तो सेब आ गए, दूसरे झाड़े में मारो तो संतरे आ गए हैं। ये तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो इसके बाद मैं यहाँ पर टी डी एम हाउस मैंने एक बार मैप देखा, मैंने देखा ठीक है यार ठीक है, फिर मैंने लास्ट सलाम ठोक दिया, बाय 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 बाय, 1 2 3 जय माता के, ठीक है। उसके बाद मैं पीछे की तरफ आया, मैं पीछे की तरफ, मैं भागता भागता गया यार, मैं सच बता रहा हूँ यार, मैं आगे की तरफ, मैं देखा यार चलते हैं इधर क्या कुल्लू मनाली ऐसा कुछ हवाई ववाई मिल जाए तो एक बार मौज मार लेंगे, पर वही बात है भैया किस्मत में नहीं है।